घर की बनी मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं, खासतौर पर जब अपने हाथ से और प्योरिटी के साथ बनाई जाएं, तो उनका तो स्वाद ही कुछ और होता है। बाजार की सारी मिठाइयाँ घर की बनी मिठाइयों के सामने फीकी है। ऐसी एक मिठाई है सर्दी में बनने वाला गाजर का हलवा। तो आज हम गाजर का हलवा होम स्टाइल ना बना के शादी वाला हलवा बनाएंगे, जो कि शादियों में हमें मिलता है या फिर हमें मिलता है होटल पे। बहुत आसान है इसको बनाना। इससे हम खोआ बनाना भी सीख लेंगे, साथ ही रबड़ी बनाना सीख लेंगे, और गाजर का हलवा तो हम बना ही रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा ग्लास पानी डाल दिया है कढ़ाई में, कढ़ाई को गैस पे रखने के बाद। ऐसा करने से दूध हमारा कढ़ाई में नहीं चिपकता, इसलिए थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करें। 3 लीटर मैंने यहाँ पर दूध डाला है, फुल क्रीम दूध है, बिना मलाई उतरा हुआ और कच्चा दूध है। तो यहाँ पर हम एक ट्रिक आजमाएंगे, जिसमें कि हमने एक कटोरी डाल दी है दूध में बॉयल आने से पहले। इस कटोरी को डालने से होगा ये कि जब हमारा दूध उफन कर आता है तो वो उफने का नहीं और उसमें बॉयल लगता रहेगा और दूध तली में चिपकेगा भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए दूध में बॉयल आ चुका है, लेकिन दूध हमारा बाहर नहीं निकला कढ़ाई से। दूध को हम रझा रझा कर गर्म कर कर मीडियम आँच पर चला चला कर चारों तरफ से हटा कर एक थिक सी रबड़ी बना लेंगे इसकी। इस प्रोसीजर में हमें 30 से 35 मिनट आराम से लग जाते हैं, बीच बीच में चलाने का ध्यान रखें। इसी बीच हम कस लेते हैं अपनी गाजरें। यहाँ पर मैंने 2 किलो गाजर ली हैं, जो सर्दी में लाल लाल और सॉफ्ट गाजर आती हैं, बहुत मीठी होती हैं, इनमें चीनी बहुत ही कम जाती है। तो इनको हमने अच्छी तरह से धो लिया था, अब यहाँ पर हम इन्हें छील रहे हैं। छीलने के बाद आप ध्यान रखिएगा कि हमें इनके डंठल पीछे से नहीं काटने, क्योंकि हम इन्हें कसेंगे तो फिर हमें उसको कसते हुए लास्ट में फेंक देना है। सभी गाजरों को हम छीलते हुए एक भगोने में रख लेंगे। देखिए गाजर मैं काट के दिखाती हूँ, बिल्कुल लाल गाजर है, बीच में इसके येलो पार्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो गाजर के हलवे का स्वाद बिगड़ जाएगा, क्योंकि वह थोड़ा सा नमक वाला पार्ट होता है, उसमें नमक जैसा टेस्ट आता है। तो आप वैसी गाजर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। सारी गाजर हमने छील ली हैं। इधर मीडियम आंच पर जो हमने दूध रखा हुआ था वह भी आधा हो चुका है। बीच बीच में चलाने का ध्यान रखें। गाजरों को धो लेते हैं और धोने के बाद इनका पानी निकाल देते हैं। अब इन गाजरों को हम कसेंगे, लेकिन बीच बीच में आप खोआ निकालने का चलाने का ध्यान जरूर रखें, इसको आप भूलें नहीं। 2-3 मिनट में चलाते रहें, आँच को मीडियम रखें तो जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। मोटी तरफ से हम गाजरों को कसेंगे, ग्रेटर हमें जो यूज़ करना है वो मोटी तरफ से यूज़ करना है, जल्दी से काम हो जाएगा हमारा। और जो डंठल बचता है लास्ट में हम उसको फेंक देंगे। देखिए गाजर हमने कसी है और वह बहुत अच्छी कसी गई है, देखिए। तो इस डंठल को हमने इसीलिए नहीं काटा था क्योंकि लास्ट में जो बचता है तो वेस्टेज ज़्यादा ना हो। तो डंठल को फेंक देते हैं और बीच में चला लेते हैं अपने मावे को। तो यहाँ पर जो कटोरी है उसके ऊपर अब दूध नहीं है, तो इसको हम निकाल देते हैं, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि हमने ये इसीलिए डाला था कि जब हम इसे लगातार ना चला पाएँ तो इससे हमारा दूध एक तो तली में ना चिपके और ऊपर से उफन के ना आए। इसे निकाल दिया है हमने। अब देखिए दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, अभी इसे लगातार चलाने का ध्यान रखेंगे। यह रबड़ी बन चुकी है। अब अगर बच्चों को या किसी को रबड़ी पसंद है घर में तो आप इस टाइम पे निकाल सकते हैं। मेरे बच्चे तो इसे ज़रूर खाते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी रबड़ी निकाल रही हूँ बच्चों के लिए। चारों तरफ से किनारों से आप दूध हटाना ना भूलें, उसको साथ के साथ हटाते चलें, क्योंकि वह गर्म होता है और चारों तरफ हम दूध फैलाते हैं तो वह थोड़ा सा छूटने भी लग जाता है। तो आप इसे करछी से ज़रूर हटाइएगा। रबड़ी को निकाल लेते हैं एक बाउल में, जितनी आपको आवश्यकता हो उतनी निकाल लीजिए। और इसके अंदर डालेंगे हम आधा चम्मच बूरा पिसी हुई चीनी, क्योंकि रबड़ी के अंदर खुद की भी मिठास होती है और फुल क्रीम दूध था तो इसका तो टेस्ट ही बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पर इसे ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छी रबड़ी बनकर तैयार हुई है। आपको किसी होटल में या फिर किसी भी शादी ब्याह में ऐसी रबड़ी नहीं मिलेगी, आप एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम अपना खोआ चला लेते हैं उधर। खोआ हमारा 10 से 15 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। हमने सारी गाजर भी कस ली हैं। अब हमें खोआ चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, क्योंकि यह बहुत जल्दी तली में चिपकता है और आँच को हम इस टाइम मीडियम टू स्लो रखेंगे।
और लगातार चलाते रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा इसको छोड़ना चाहती हैं 1-2 सेकंड के लिए चलाना, तो आप बिल्कुल गैस को स्लो रखिएगा। देखिए 10 से 15 मिनट के अंदर ही खोवा बनकर तैयार हो जाता है। इससे ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि सर्दी में यह रखा हुआ खुद भी गाढ़ा हो जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। बहुत अच्छा खोवा बना है, दानेदार है। और गैस को कर देते हैं यहाँ पर हम बंद। गैस बंद करने के बाद भी हमें खोवे को थोड़ा सा चलाना है, जब तक कि कढ़ाई हमारी थोड़ी सी ठंडी नहीं हो जाती, क्योंकि यह बहुत जल्दी पिंकिश हो जाएगा नीचे तली में चिपक कर, तो देखने में हमारा खोवा अच्छा नहीं लगेगा। आप इस खोवे से मिठाई, पेड़ा, लड्डू कुछ भी बना सकते हैं, रसगुल्ले बहुत ही बेहतरीन बनते हैं इससे। इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम अपना गाजर का हलवा बनाएंगे, इसको वॉश नहीं करेंगे। कड़छी पर जो हमारा खोवा लगा हुआ है, उसे चाकू की मदद से आप हटा लीजिए और खोए को आप ढक दीजिए, जिससे कि वह हार्ड ना हो, सॉफ्ट रहे। चलिए बना लेते हैं अब गाजर का हलवा। रबड़ी हमारी बन चुकी है, खोवा बन चुका है, अब गाजर का हलवा फटाफट से बना लेते हैं। मीडियम आंच पर रख देते हैं कढ़ाई को और साथ ही डाल देते हैं उसमें ग्रेट करी हुई गाजर। गाजर को सारी को हम कढ़ाई में फैला लेंगे और मीडियम आंच पर हम इसे ढककर पकाएंगे 5-7 मिनट के लिए। 5-7 मिनट बाद ही यह थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर मेरे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने आपको दूध डालते हुए नहीं दिखाया। यहाँ पर मैंने डाला है 1 ग्लास दूध। ढक ढक कर हम इसे पकाएंगे। 10 से 15 मिनट के बाद ही यह दूध पूरा सूख जाता है और गाजर हमारी पूरी तरह से पक जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए हमें यहाँ पे दूध ऐड करना होता है। तो हम बार बार इसे बीच में चलाएंगे 3-4 मिनट के अंदर, और जब तक दूध खत्म नहीं हो जाता तब तक हम इसमें चीनी ऐड नहीं करेंगे। एक बार से देख लेंगे कि गाजर हमारी सॉफ्ट हुई है या नहीं, क्योंकि जब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे तो हमारी गाजर उतनी ही पकेंगी जितनी चीनी ऐड करने से पहले पकी हुई है। चीनी गाजरों को पकाना बंद कर देती है, इसीलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि गाजर हमारी पूरी तरह से पक जानी चाहिए। देखिए गाजर हमारी सॉफ्ट हो चुकी है बिल्कुल, और ये फ्रेश गाजर थी, और सर्दियों की गाजर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। यहाँ पर हमने ऐड कर दी है 1/2 किलो चीनी, 2 किलो गाजर हैं हमारी, और हम यहाँ पर 700 ग्राम मावा ऐड करेंगे, तो उसमें हमने 1/2 किलो चीनी डाली है 500 ग्राम। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 35 से 40 सेकंड के अंदर ही गाजर में से पानी रिलीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि चीनी हमने डाली है तो वह पानी छोड़ेगी ही। अब इस पानी को हमें सुखाना है बिना कढ़ाई को ढके हुए। अब हम कढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं ढकेंगे, और जब तक पानी नहीं सूख जाता तब तक इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब यह तली में नहीं चिपकेगा। देखिए मैं आपको हटा के दिखा देती हूँ कि इसके अंदर पानी है या नहीं। अब 5-7 मिनट हो चुके हैं मीडियम आंच पर हमें इसे चलाते हुए, तो थोड़ा सा पानी इसमें से निकल रहा है। हमें बिल्कुल गाजर को नहीं सुखाना है, नहीं तो वह बहुत ज़्यादा ड्राई हलवा बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा ऐसा हलवा बनना चाहिए जो मुंह में जाते ही घुल जाए। अभी यहाँ पर हल्का सा पानी है, सिर्फ 2-3 चम्मच ही है। देखिए बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, और अलग से इसमें पानी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब यहाँ पर हम खोवा ऐड कर लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप सारा खोवा भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा खोवा बचा भी सकते हैं। मैंने 3 किलो दूध से यहाँ पर बनाया है, तो हमारा 1.5 किलो खोवा बना है। तो हम 1.5 किलो खोवे को नहीं डालेंगे, यहाँ पर हम 700 ग्राम खोवा ऐड करेंगे, या फिर आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना आप खोवा डालेंगे उतना ही टेस्ट इसमें बढ़ेगा, लेकिन चीनी का फिर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप खोवा डालने से पहले 1 स्पून से चीनी चख लीजिएगा हलवे के अंदर। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा चीनी चाहिए तो आप थोड़ी चीनी और ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से चलाएंगे मावे के अंदर गाजर को। मैं थोड़ा सा खोवा और ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यह फ्रेश खोवा है, घर का बना हुआ है,
तो बहुत लाजवाब है। सारे खोए को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं गाजर में और गैस को इस टाइम हम स्लो रखेंगे बिल्कुल। जैसे ही हमारा खोआ गाजर में मेल्ट हो जाता है, हमारा हलवा बनकर तैयार है। आप इस हलवे में एक चमचा घी भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट डालने से पहले आप थोड़ा सा उनको रोस्ट कर लीजिएगा देसी घी में, फिर डालिएगा। मेरे परिवार में पसंद नहीं है ड्राई फ्रूट गाजर के हलवे में, तो मैं नहीं ऐड करती। आपको पसंद हो तो आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि जब आपने गाजर का हलवा बनाया तो आपका गाजर का हलवा कैसा बना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा मावा, रबड़ी और गाजर का हलवा तीनों ही बहुत बेहतरीन बनेंगे। गैस को ज़्यादा तेज ना करें और जब दूध बॉईल होने लगे उससे पहले ही हमें एक कटोरी डाल देनी है खोए के अंदर, जिससे कि वो उफन के ना आए और तली में चिपके ना। बहुत ही अच्छा दानेदार खोआ बनकर तैयार होगा। और अगर आपको रबड़ी खानी है तो आप जब वो थिक हो के आए दूध थोड़ा सा, तो उस टाइम रबड़ी निकाल लीजिए। देखिए कितना अच्छा खोआ बना है और कितना अच्छा हमारा गाजर का हलवा बना है। खोआ हमारा दानेदार था, इसलिए गाजर का हलवा देखने में भी बहुत बेहतरीन लग रहा है, ये खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। गार्निश के लिए ऊपर से थोड़ा सा खोआ डाल देते हैं सर्व करते हुए। सर्दियों में आप इस गाजर के हलवे को जरूर बनाइए। यह शादियों में मिलने वाले गाजर के हलवे से बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।